नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। ये प्लांट देख रहे हैं, खूबसूरत सा रेड कलर की लीव्स का, इसका नाम है अलंथरा। और फ्रेंड्स, काफ़ी बुशी होने पर ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मैं आज इसकी कटिंग करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ। फ्रेंड्स, ये कटिंग करने से काफ़ी और ज़्यादा बुशी निकल के आता है, तो इसका जो कटिंग करने का टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो कटिंग होती है फ्रेंड्स, वो भी हमारे काम आ जाती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग करने के बाद में इसकी कटिंग लगती कैसे है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक साथ ही इसकी कटिंग इस तरीके से निकाल देनी है। ये देखिए, तो कटिंग करने से फ्रेंड्स ये काफ़ी बुशी निकल के आएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसकी कटिंग कर ही दूँ, क्योंकि जब ये निकल के आएगा तो फ्रेंड्स बड़ा ही प्यारा लगने वाला है। और मैंने इसकी कटिंग बढ़ानी भी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपने इस पॉट की कटिंग कर दी है। और फ्रेंड्स, इसको अगर आप ग्रीन चाहते हैं तो इसको इंडोर रखें, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी लीव्स रेड हो जाएं तो आप इसको फ्रेंड्स आउटडोर रखें। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि ये अलंथरा का प्लांट कटिंग से कैसे लग जाता है। ये देखिए, इसकी ये कटिंग है। और किसी भी सॉफ्ट, ये दिखाती हूँ, ये सॉफ्ट मिट्टी है, मैंने इसमें बारिश हुई है वैसे भी, तो मिट्टियाँ सॉफ्ट हो जानी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लगा दें इसकी डंडियाँ उठा उठा करके, सिर्फ मिट्टी में लगानी है। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से मिट्टी में दबा दो और बहुत अच्छे से निकल के आती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। आप चाहे इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएं, फ्रेंड्स ये निकल के आती है, लटकती है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत गुच्छेदार निकल के आती है, प्यारी लगती है। और रेड कलर की इसकी लीफ और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। और फ्रेंड्स, दूसरा ये ना मैं आपको बताऊं कि ये पौधा बहुत हार्ड है, ये हार्ड धूप में सर्वाइव कर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास में कोई वैसी जगह नहीं है तो आप फ्रेंड्स इसको धूप में ही रखें, इंडोर ना रखें, और सेमी शेडी एरिया में रखेंगे तो इसको आप ऐसा आपको ग्रीन भी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा रेड भी मिलेगा, दोनों कलर मिल जाएंगे। और इसको तो इस तरीके से मैंने इसमें तो लगा दिया फ्रेंड्स। अब एक है मेरे पास में, मैं चाह रही थी कि ये राइट साइड में लग जाए फ्रेंड्स, तो बड़ा प्यारा लगेगा। कोई भी पौधा आपका जो पॉट है, और अगर आपको लगता है कि उस पॉट में आप खाली खाली है आपका वो पॉट, तो आप उसके राइट साइड में फ्रेंड्स इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगा दें। किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है इसकी कटिंग लगाने के लिए फ्रेंड्स, सिर्फ मिट्टी में इस तरीके से दबा देना है और बहुत अच्छे से फ्रेंड्स इसकी कटिंग चलने लग जाती है। आप देख ही रहे हैं कि मैं कितनी जल्दी जल्दी इसकी कटिंग मिट्टी में लगा रही हूँ। और एक बार लगाने के बाद फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी कवर करती है पॉट को। तो मैंने जितनी भी कटिंग है, छोटी से छोटी कटिंग इसकी फ्रेंड्स लग जाती है, वेस्ट नहीं जाती हैं। तो मैंने इस पॉट में इसके लगा दिए, जो कि मुझे ये, इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने ये लगा दिए। तो फ्रेंड्स, ये अलंथरा का प्लांट बहुत अच्छा है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी फ्रेंड्स इस तरीके से अलंथरा का प्लांट, और ये फ्रेंड्स पार्क के किनारे भी मिल जाता है। वैसे मैं माली के यहाँ से पंजाबी बाग की नर्सरी से फ्रेंड्स मैं लाई थी, तो ये मुझे 10 रुपये का मिला था अलंथरा का प्लांट, एक छोटी सी पोलोथीन में था, और 10 ही रुपये का माली ने मुझे दे दिया था। ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं फ्रेंड्स ये पौधे, तो आप भी फ्रेंड्स ट्राई करें लाके, बहुत अच्छा लगता है। इसका स्पेशल एक पॉट बना लें, वो भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी बताएं मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लगते हैं। बाय फ्रेंड्स।